दोस्तों, आज मैं आपको मंगलवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यदि आप भी मंगलवार का व्रत कर रहे हैं तो पूजा के दौरान मंगलवार व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि दोस्तों व्रत कथा के बिना कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है। प्राचीन समय में कुंडलपुर नगर में नंदा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुनंदा के साथ रहता था। ब्राह्मण दंपति को धन धान्य आदि किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो संतान की। दंपति की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे हमेशा दुखी रहा करते थे। घर में खूब पैसा था, लेकिन उनका किसी चीज में मन नहीं लगता था, क्योंकि घर में बच्चे की किलकारी नहीं थी। एक दिन ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के लिए वन में चले गए और हनुमान जी से पुत्र की कामना करने लगे। घर पर उनकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करने लग गई। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर भोजन किया करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना भोग ही लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि अगले मंगल को ही भोग लगाकर अन्न ग्रहण करेगी। भूखे प्यासे 6 दिन के बाद मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन देखकर प्रसन्न हुए। उसे दर्शन देकर कहा कि वे उससे काफी खुश हैं और उसके घर में जल्द ही बालक की किलकारी गूंजेगी, जो कि उसकी सेवा भी करेगा। हनुमान जी ने उस स्त्री को पुत्र रत्न दिया और अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी अब बेहद खुश थी और उसके घर जल्द ही बालक का जन्म हुआ। उसने अपने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय के बाद जब ब्राह्मण घर आए तो बालक को देख पूछा कि ये कौन है। पत्नी ने पति को सारी कथा सुनाई और अपने स्वामी को बताया। पत्नी की बातों को छलपूर्ण जानकर ब्राह्मण ने सोचा कि उसकी पत्नी व्यभिचारिणी है। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया और घर पर पत्नी के पूछने पर ब्राह्मण घबरा गया। पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गए। उसी रात बजरंग बली ने ब्राह्मण को स्वप्न में कहा कि ये बालक मेरा बाल रूप है और तेरी पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने ही उसे वरदान दिया था। इसके बाद ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बजरंग बली के साथ ही अपनी पत्नी और पुत्र से भी क्षमा मांगी और इसके बाद वे खुशी पूर्वक जीवन जीने लगे। इसलिए दोस्तों, जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके भी कष्ट दूर हो जाते हैं। बजरंग बली उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं।